हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग जंक्शन में। फ्रेंड्स, हम आज नोएडा आए हैं, नोएडा सेक्टर 24, जिसमें केवीएस के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो आइए, जो भी एस्पिरेंट्स हैं केवीएस के, उनके इंटरव्यू को लेकर रिव्यू लेंगे और बात करेंगे केवीएस में क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। आपका जो इंटरव्यू 5, 6, 7 को, अभी जो 6, 7, 8 को होने वाले हैं, उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आप डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ कैंडिडेट से बताएंगे अपना केवीएस पीआरटी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। सर, पहले आप बताइए, आपका इंट्रोडक्शनरी पार्ट जो पूछा गया वो क्या पूछा गया, इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन? जी, उनके पास मेरा बायोडाटा था जी। उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा जी। और सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला कि इंट्रोडक्शन में जो भी लिखा है उसके अलावा आपकी क्या खूबी है, आप कैसे हो वो बताइए मुझे जी, अपार्ट फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन जी। तो फिर वैसे ही मैंने अपने बारे में बताया कि मुझे क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं है, कहाँ कहाँ से मैं कैसे कैसे आता हूँ। तो फिर जैसे कि मेरा आर्मी बैकग्राउंड था जी, फिर उन्होंने ये चीज़ मेरे से पूछी कि आप आर्मी बैकग्राउंड से हो, आपके मतलब फादर किस कोर में थे, आर्मी स्कूल से पढ़ाई करी है तो आपने आर्मी स्कूल में ट्राई क्यों नहीं किया, तो यही चीज़ें पूछी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या प्रिपेयर कर आए हो, मैंने बता दिया। बोर्ड टीचिंग में क्या पूछा गया? बोर्ड टीचिंग में उन्होंने मुझसे यही पूछा था, प्रिपेयर क्या कर आए हो जी माइक्रो, उसके लिए डेमो टीचिंग के लिए। तो मैंने बताया कि मैं 4th क्लास की पोएम प्रिपेयर कर आया हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आपको कुछ बुक से बोल दिया जाए पढ़ाने के लिए, आप पढ़ा दोगे? हाँ। तो मैंने बोला जी, मैं पढ़ा दूंगा जी। बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। फिर मैंने ठीक है उन्होंने ऐसा किया नहीं जी। फिर मैंने खुद से ही मतलब उन्होंने बोला जो आप प्रिपेयर कर आए हो वही पढ़ा दीजिए जी, जी। तो इसके साथ ही मैंने इंग्लिश की मेरी पोयम थी, हाँ। मैंने वो पढ़ाई, हाँ। तो वो भी मैंने काफी जैसे प्रिपेयर कर आया था, वो अच्छी होगी काफी। हाँ। फिर यही था कि मुझसे ज्यादातर मतलब वो बहुत ही फ्रेंडली थे, कोऑपरेटिंग थे, बट ये है कि उन्होंने मुझसे ये नहीं, ये चीजें नहीं पूछी कि केवीएस में क्यों आना चाहते हो, या बहुत सारी चीजें जो हम प्रिपेयर करके एनईपी, वो नहीं पूछा, आरटी, या वो नहीं पूछा गया, वो कुछ नहीं पूछा। सारे कैंडिडेट के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस है, जैसे अलग अलग टाइप से पूछे गए। और सर, आपके ग्रेजुएशन बैकग्राउंड जो कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मुझसे ग्रेजुएशन का भी पूछा था कि मैंने बीटेक कर रखी थी, वो भी आईटी से। उन्होंने बोला आपने बीटेक के बाद मतलब आईटी में ही ट्राई किया? आईटी कहां से करा था आपने? आईटी से, आईटी बीटेक कर रखी थी आईटी से। अच्छा, आईटी से, नोएडा से कर रखी थी। ओके। तो उन्होंने बोला कि इतनी मतलब वास्ट फील्ड है ये, इतना कुछ इसमें बहुत कुछ कर सकते थे आप, इसमें अच्छा कमा भी सकते थे, तो आपने वही क्यों नहीं किया? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं से गवर्नमेंट प्रिपरेशन में ही लग गया था उसके बाद जी, तो वो मेरे आंसर से सेटिस्फाइड थे। और आपके करंट अफेयर्स वगैरह से कुछ क्वेश्चन पूछा गया? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आपका सिर्फ मेरे से रिलेटेड पूछा और मेरे से डेमो टीचिंग करवाई और कुछ नहीं पूछा। आपका इंटरव्यू लगभग कितने टाइम तक चला? लगभग 10 मिनट के आसपास। 10 मिनट तक चला। मेरा लास्ट वही इंटरव्यू था जिसके बाद उनको लंच के लिए जाना था। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा जल्दी थोड़ा हो गया। वैसे 10 से 12 मिनट तक हाईएस्ट इंटरव्यू चल रहा है जो कि टाइम ड्यूरेशन है जी, जी। और आई होप आपका इंटरव्यू काफी अच्छा गया। रिस्पॉन्स कैसे अच्छा रहे? वो जाने से पहले बोल रहे थे आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। हाँ जी, मैंने बोला माय प्लेजर। और जो ग्रेजुएशन आपने किया है जिस बैकग्राउंड से, उससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हो? जैसे आपका आर्मी बैकग्राउंड था, वहाँ से पूछा गया कि भाई आपने एपीएस वाले स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन की, आर्मी पब्लिक स्कूल क्यों नहीं ज्वाइन करा? तो ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सर के साथ तो बड़ा कैजुअल वाला फॉर्मल हो गया आपका इंटरव्यू। उन्होंने मुझसे पूछा था मतलब मेरे बायोडाटा में देखा, तो उन्हें पता लग गया कि मैं बुलंदशहर से हूँ जी। तो वहाँ पर एक टीचर शायद बुलंदशहर के ही होंगे या वहाँ के आसपास के होंगे, तो वो सब उनको देखने लगे कि अच्छा एक स्टूडेंट तो आया बुलंदशहर का। अच्छा, तो उन्होंने ही मुझसे मतलब पहली कन्वर्सेशन उन्होंने स्टार्ट की थी, इंटरव्यू लेना उन्होंने स्टार्ट किया था सबसे। चलिए भाई, तो आप हाँ जी, हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ये इंटरव्यू अपना शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया। और जैसे आप सभी को इससे काफी कुछ हेल्प मिलेगी, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनईपी से कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछा सर से, लेकिन और जो उनके बायोडाटा से रिगार्डिंग जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था उनका, आईटी सेक्टर, आईटी से बीटेक है, तो इन सारे से क्वेश्चन पूछे गए और काफी बेहतर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। तो आपके कितने मार्क्स हैं सर रिटन एग्जाम में? मेरे रिटन एग्जाम में 129.6 है। हाँ जी, आर यू बिलोंग इन विच कैटेगरी? एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी, ओके ओके सर। चलिए, तो सर का आई होप, हम प्रे करेंगे कि सर का सिलेक्शन हो जाए फाइनली। और ऐसे ही हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू से बने रहिए, हम लोगों के एक्सपीरियंस ला रहे हैं। तो थैंक यू सो मच टू ऑल। थैंक यू। ओके सर। हेलो दोस्तों, हम आए हैं आज केंद्रीय विद्यालय के नोएडा सेक्टर 24 में, और ये मैम आपको अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएंगी जो कि केवीएस पीआरटी इंटरव्यू के रिगार्डिंग है। तो मैम, आपका इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू तो पता नहीं, बट ठीक है, एवरेज गया। वो लोग काफ़ी स्माइल कर रहे थे मेरे। सेंटर बच्चे। आपको बोर्ड टीचिंग में क्या टॉपिक दिया गया? उन्होंने मुझसे डेमो नहीं दिया, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप टेबल्स बता दीजिए कैसे डेमो नहीं लिया गया। देखिए, तो आपका इंटरव्यू हमें लग रहा है आपके बायोडाटा के आसपास ही ज़्यादा घुमा होगा। बायोडाटा से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया, जर्नल क्वेश्चन कर रहे थे, एफएलएन किया है।
सेम एज इट इज़ हम लोग भी मॉक इंटरव्यू ऐसे ही कंडक्ट कराते हैं जिसमें हम NEP के क्वेश्चन पूछते हैं और आपके PRT लेवल की NCERT के रिगार्डिंग टॉपिक दिए जाते हैं जो कि बोर्ड टीचिंग के रिगार्डिंग होता है। हाँ जी बिल्कुल। और आपकी करंट अफेयर्स वगैरह से भी कुछ क्वेश्चन पूछे? और आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन और PG से भी क्वेश्चन पूछे गए या? हाँ मैं बता रही हूँ ना, मेरा पॉलिटिकल साइंस है इसलिए उन्होंने हमास वाला इशू। हाँ जी। NEP से क्वेश्चन तो रहे होंगे? NEP से नहीं, FLN था बस। FLN था, ये क्वेश्चन तो मॉक इंटरव्यू में खड़े पूछे गए लोगों से। निपुण स्कीम है, FLN है, सफल स्कीम है, परख योजना है, कई सारे ऐसे असेसमेंट के बेस एजुकेशन के स्कीम है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। और आपका जो इंटरव्यू लगभग कितने टाइम तक चला? 15 मिनट। देखिए जिनका इंटरव्यू थोड़ा 10 to 15 मिनट तक चल रहा है उनका अप्रॉक्स बेहतर गया होगा। अच्छा, पैनल के रिएक्शंस कैसे थे? दे ऑल वर स्माइलिंग एंड जब मैं गई तो मैम ने बोला भी ओके अच्छा लगा ऐसे कुछ बोल रही थी। तो ऑबवियस है जिनका इंटरव्यू लॉन्ग टर्म तक चला है 12 से 15 मिनट तक, ऑबवियस है उनका इंटरव्यू काफ़ी बेहतर गया होगा। जिनका 4 से 6 मिनट का होता है या तो पैनल आपको ज़्यादा इंटेंशन नहीं दे पाते हैं, आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट कर नहीं पाते उस तरीके से, तो आपका जल्दी कवर कर देते हैं और मोस्टली ज़्यादा टाइम दिया नहीं जा रहा है इंटरव्यू में, लगभग 10 से 12 मिनट हाईएस्ट इंटरव्यू चल रहे हैं लोगों के। ओके मैम, ओके, आपसे बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो भी कुछ बताया वो आगे की जो कल के आपका 6, 7, 8 को जिनका इंटरव्यू हो उनके लिए कुछ काफ़ी हेल्प करेगा इसके पॉइंट्स जानने के लिए। थैंक यू।